सब्सक्राइब कीजिए सरबजीत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको शेड वर्क के डिफरेंट मेथड बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें एंकर के थ्रेड चाहिए, जो है 3-4 शेड जैसे मिला के होने चाहिए। शेड वर्क शुरू करने से पहले जो फ्लावर्स हमने शेड वर्क के बनाने हैं उसकी हम आउटलाइन चेन स्टिच से कर लेंगे। इस तरह से सभी फ्लावर्स की जो हमने शेड वर्क ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ब्लू वाला फ्लावर्स, ये दोनों ब्लू वाले लीव्स भी मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इनको देख सकते हो, इनके वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आज मैं आपको डिफरेंट वे में शेड वर्क बताऊंगी, ये बहुत ही इजी है। इसको चेन स्टिच बनाने के बाद हम इसकी आउटलाइन जो है बटन होल से करेंगे। इसकी ऊपर वाली साइड जो है यहाँ पे ये वाली साइड, इस तरह से शेड वर्क करने के लिए हम जो एंकर की गुच्छी को जो 2 लेयर्स थ्रेड है वो निकाल लेंगे इसमें से। इस तरह से उससे हम इसकी जो आउटलाइन है प्लांट की, ये वाली चेन स्टिच भी हम डबल थ्रेड से करेंगे और ये जो फिलिंग वाला है ये भी हम डबल थ्रेड से करेंगे। पूरी क्रीम कलर की आउटलाइन करने के बाद हम इसके बाद ये वाला कलर जो है येलो वाला, ये इसमें शेड डालेंगे और इसके बाद ये वाला शेड डालेंगे। इसके भी मैं जो थ्रेड की डबल लेयर्स ले रही हूँ और शेड डालते हुए भी हम सेंटर में से स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन बटन होल स्टिच से करने के बाद जो ब्लैंकेट स्टिच की तरह होता है, बड़ा लॉन्ग स्टिच लेने के बाद हम जो अंदर की तरफ जो फिल करेंगे वो लॉन्ग एंड शॉर्ट यूज़ करेंगे स्टिच। इस तरफ से शेड डालने के बाद आधी लीफ में हम फिर सेंटर में से इस तरफ से थ्रेड को निकाल लेंगे और दूसरी तरफ हम इस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है स्टिच इस तरह से लगाएंगे, बनाएंगे।
इसी तरह से जो थर्ड शेड है वो भी हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। थर्ड शीट को भी हम सेंटर में से दोबारा दूसरी तरफ लेके जाना हो तो सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम फोर्थ शेड जो है वो स्टार्ट करेंगे। फोर्थ शेड मैं ये वाला डालने वाली हूँ, ऑरेंज कलर का। इसकी भी हम दो लेयर्स लेंगे रेड की। फोर्थ शेड को हम ज़्यादा ऊपर क्रीम कलर के पास ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, इसको डार्क येलो के साथ थोड़ा लीव के अंदर की तरफ ही रखेंगे। इस तरह से हमारा जो शेड वर्क का फ्लावर है वो रेडी हो गया। अगर आपको फ्लावर के अंदर में और डार्क करना है तो आप इसके बाद आप रेड कलर जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, और मैरून उसके बाद आ जाता है, और काफ़ी शेड इसमें डाल सकते हो। और जो भी शेड डालेंगे वो सेंटर में से स्टार्ट करेंगे, इसलिए उसका जो शेड जो है अच्छा बन जाता है। अब जो सेंटर में फ्लावर है वो हम फ्रेंच नोट से भर सकते हैं इसको। फ्रेंच नॉट लगने के बाद हम इसको बैक साइड से नॉट लगा देंगे और धागे को काट देंगे। शेड वर्क का जो सेकंड जो है वे वैसे तो हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बाहर बटन होल से नहीं बनाएंगे, ये सिंपल जो स्टार्ट है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट से ही करेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो सेंटर से ही करते हैं इस तरह से।
ये स्टिच भी हम चेन के बाहर ही लेंगे, जो चेन स्टिच करा है उसके बाहर की तरफ से लेंगे। अब जो सेकंड जो कलर है वो डालने वाले हैं, ऑरेंज कलर जो है वो डालेंगे, ये वाला कलर। इसी तरह से फिर उसके बाद हम लाइट जो ऑरेंज है वो डाल देंगे, फिर उसके बाद क्रीम कलर अगर आप चाहो तो ये भी डाल सकते हैं। जैसे ये हम बाहर से लाइट है और अंदर से धीरे धीरे डार्क हो रहा है, इसी तरह से रेड जो शेड है वो बाहर से डार्क है और अंदर से धीरे धीरे लाइट जो शेड है हम डालते जाएंगे। जैसे ये पहले मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, उसी तरह से हम इसमें भी डाल लेंगे। और इसमें और भी कलर हैं, फ्लावर्स हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाए हैं। इसमें ऑरेंज वाले शेड वाले फ्लावर्स में, इसमें जो है शेड का मैं डिफरेंट बताने वाली हूँ। इसमें है, हमने डार्क ऑरेंज से स्टार्ट करा है, सेंटर में हमने डार्क येलो यूज़ करा है और बिल्कुल सेंटर में फ्लावर के हम रेड कलर से फिल करेंगे। इसको भी हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ धागा लेके जाएंगे इस तरह से, और फिर जो बिल्कुल जहाँ पे फ्लावर का सेंटर है वहाँ पर हम इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच से भरेंगे। लंबा स्टिच होने से हम इसको डबल प्रेस करेंगे इस तरह से। इस तरह से शेड वर्क की बनाई हुई वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाती है। इसमें डिफरेंट वेज में मैंने बताया है कि कैसे डार्क से लाइट और लाइट से डार्क शेड हम डाल सकते हैं फ्लावर्स में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको पूरा बने हुआ देखने के लिए आपको स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना होगा। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।